स्टडी आई क्यू अब तैयारी हुई अफोर्डेबल नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का स्टडी में मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर दोस्तों आज हमारी चर्चा होने वाली है दिल के बारे में और ये कोई फिल्मी डिस्कशन नहीं हो रही हम लोग लिटरली ह्यूमन हार्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं लेकिन नॉट द नेचुरल ह्यूमन हार्ट हम लोग चर्चा करने वाले हैं अबाउट आर्टिफिशियल हार्ट यू हर्ड मी राइट हम लोग चर्चा करने वाले अबाउट हार्ट हम लोग एक प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे फॉर दैट मैटर मैं कहूंगा हम लोग एक चैलेंज के बारे में बात करेंगे जिसको फ्लोट किया है आईआईटी कानपुर ने अभी उन्होंने मुहिम छेड़ रखी है कि मेड इन इंडिया देसी दिल बनाएंगे हम आर्टिफिशियल हार्ट तो आज हमारी डिस्कशन का मुद्दा यही रहेगा इस डिस्कशन में हम लोग समझेंगे ये आर्टिफिशियल हार्ट का मतलब क्या है इसको हम लोग एल के नाम से भी जानते हैं वट इज एल विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इसके अलावा हम लोग ये कौन सा प्रोजेक्ट है कौन सा चैलेंज है जिसको आई कानपुर ने फ्लोट किया है उसके बारे

एक आर्टिफिशियल हार्ट की जरूरत है राइट तो हमें उसको इंपोर्ट करना पड़ता है तो अभी आईआईटी कानपुर ने एक मुहिम छेड़ दी है ऑफ आत्मनिर्भर भारत कि हम लोग इंडिया में अफोर्डेबल आर्टिफिशियल हार्ट बनाएंगे

Study IQ's foundation batch is the one-stop solution for all your preparation needs. This is the most comprehensive program and the most affordable program. You'll get the entire package, entire course for only 18999. But if you want this price, then you have to use this particular code Rahul Live. Whenever you check out from the website or the app, just use the code Rahul Live, You'll get this price. Now, what will you get in this particular price, 18999? You'll get. 1000 plus hours of live classes complete coverage of the syllabus you will get a mentor there is a mentorship program one mentor would be allotted to you who will be with you from day 1 till your preparation journey they will be helping you they'll be your guide philosopher friend in your preparation they'll help you strategize they'll help you uh, with your doubts academic non academic you will get the current affairs program you will also get a prelims test series in this price only so everything the whole shebang

उसका नाम है हृदयंत्र चैलेंज जैसे कि मैंने आपको बताया आईआईटी कानपुर में स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी है एस इन्होंने अनाउंस किया है हृदयंत्र एक चैलेंज है ये एक चैलेंज बेस्ड प्रोग्राम है जहां पे पर इनविटेशन इन्विट, दी हुई है टू तो, टू तो से मेडिकल स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स अदर पीपल टू कम एंड ज्वाइन इन डेवलपमेंट ऑफ दिस आर्टिफिशियल हार्ट तो ये एक कोलाबरेटिव प्रोजेक्ट है जहां पे अलग अलग हॉस्पिटल्स लीडिंग हॉस्पिटल्स ऑफ द कंट्री दे आर प्रमोटिंग द डेवलपमेंट ऑफ मेड इन इंडिया आर्टिफिशियल हार्ट तो इसीलिए मैंने आपको कहा था कि ये इसमें एक एस्पेक्ट है आत्मनिर्भर भारत का भी क्योंकि अभी तक अगर हम लोग आर्टिफिशियल हार्ट की बात करें हम लोग इसकी इंपोर्ट पर रिलाई करते हैं अगर किसी पेशेंट को इंडिया में चाहिए देन वी इंपोर्ट फ्रॉम दी डेवलप कंट्रीज बट नाउ आत्मनिर्भर भारत बनने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं इंडिया में ही आर्टिफिशियल हार्ट हम लोग डेवलप करने वाले हैं इसीलिए हृदयंत्र चैलेंज फ्लोट किया गया आपको ध्यान रखना है अगर इस पे एमसीक्यू बन गया तो सिंपल क्वेश्चन बन सकता है हृदय क्या है या फिर हृदय किसने फ्लोट किया है हृदय एक प्लेटफॉर्म है एक प्रोग्राम है एक चैलेंज है टू डेवलप द आर्टिफिशियल हार्ट इन इंडिया इसको फ्लोट कर किया है आईआईटी कानपुर ने इन कोलैबोरेशन विद इन कोलैबोरेशन विध अदर इंस्टीट्यूशंस अदर हॉस्पिटल्स एंड रिनोल पर्सनालिटीज तो यहां पे अलग अलग अलग, अलग लोग इसको ज्वाइन हो सकते हैं वट इज द प्लान ऑफ एक्शन अगर मैं आपको बताऊँ क्या एक्जैक्टली exactly हो रहा है आई टी कानपुर ने एक टास्क फोर्स बना रखा है टास्क फोर्स अगर कमेटी हम लोग कह सकते हैं जहाँ पे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स फ्रॉम यूएसए क्लिनिकल एक्सपर्ट्स फ्रॉम ऑल अराउंड द कंट्री जैसे कि क्लिनिकल एक्सपर्ट्स फ्रॉम एम्स डेली फ्रॉम अपोलो फ्रॉम फोर्टिस फ्रॉम नारायण हेल्थ राइट नारायण रुदायला एट्सेट्रा तो ये लोग एक्ट करेंगे एज मेंटर्स ये लोग मेंटर्स रहेंगे और कौन रहेंगे मेंटीज इसके लिए आपको चैलेंज ज्वाइन करना पड़ेगा मेंटीज जो है दे विल विल बी सेलेक्टेड यानी मेंटर्स सेलेक्ट करेंगे कौन इसको अप्लाई कर सकते हैं आप एस एमआर कानपुर में जा सकते हैं जिन्हें भी अप्रोपरेट एक्सपीरियंस है इस पर्टिकुलर फील्ड में तो यह ज्वाइन कर सकते हैं इस पर्टिकुलर चैलेंज को जहां पर अभी इंडिया में आर्टिफिशियल हार्ट हम लोग बनाएंगे जल्द ही राइट तो यह है बेसिक हृदय चैलेंज अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा सर आपने आर्टिफिशियल हार्ट आपने बहुत बार बता दिया तो लेकिन एक्जैक्टली exactly है क्या मुझे फील नहीं आ रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है एग्जैक्टली क्या क्योंकि ह्यूमन हार्ट तो हमें पता है राइट लब डब राइट दिल धड़कता है दिल का काम क्या है हार्ट इज बेसिकली अ पंपिंग मशीन हार्ट हमारा एक पंप है जो पूरे बॉडी में ब्लड को पंप करता है राइट दैट्स द बेसिक आइडिया अब आर्टिफिशियल हार्ट क्या होगा उसका भी वही जॉब होगा बेसिकली अब आप हमारे हार्ट का अगर आप क्रॉस सेक्शन देखोगे हार्ट में चार चें ह्यूमन हार्ट में चार चेंबर होते हैं अपर आर एट्रियम लोअर आर वेंट्रिकल्स और आप जानते हैं कि राइट right एट्रियम और राइट right वेंट्रिकल में आपको डी ब्लड होता है यहाँ पे एंड इट कम्स फ्रॉम दी पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन से आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है ध्यान रखना है ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है एंड इट कम्स इन टू लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल और यहाँ से एवरटा के थ्रू पंप आउट होता है थ्रू द होल बॉडी आपकी बॉडी को पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल अब ये जो आर्टिफिशियल हार्ट है क्या करते हैं जब ह्यूमन हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो जाती है जब ह्यूमन हार्ट अगर ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है तो इस तरह की एक मशीन लिटरली इम्प्लांट की जाती है हार्ट में तो ये एक आपका सर्जरी ही किया जाएगा जिसमें आपको ये जो डिवाइस है आर्टिफिशियल हार्ट जिसको हम लोग एलवीएडी भी कहते हैं एलवीएडी का मतलब है लेफ्ट वेंट्रिकल असिस्ट डिवाइस लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पंप करना है तो ब्लड अभी आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से एवोरटा को डायरेक्टली पंप करने के लिए एक पंप ही लगाया गया और इस पंप की कंट्रोलर आपको बाहर में रहेगी कुछ इसी तरह का डिवाइस दिखता है ये राइट ये है बेसिकली आर्टिफिशियल हार्ट राइट आर्टिफिशियल हार्ट मतलब वॉट इज इट इट इज बेसिकली मैकेनिकल हार्ट और मैकेनिकल सर्कुलेटरी सिस्टम जहां पे आप दोनों वेंट्रिकल में भी लगा सकते हो नॉर्मली आर्टिफिशियल हार्ट में ऐसा नहीं है कि केवल लेफ्ट लेफ्ट वेंट्रिकल में लगाते हैं बट जनरली जनरली इट इज अप्लाइड दी इट इज अप्लाइड टू दी लेफ्ट वेंट्रिकल इसीलिए उसको एल वी एडी सिस्टम भी कहा जाता है बट इन जनरल इट इज ऑल्सो कॉल्ड वी एडी राइट वी एडी वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस यानी कि आपके वेंट्रिकल से ही ब्लड पंप आउट होता है ऑक्सीजेटेड डी ऑक्सीडेटेड हो तो ऑक्सीजेटेड ब्लड पूरे बॉडी को आपको जहां पे पहुंचना है उसके लिए लेफ्ट लेफ्ट वेंट्रिकल वेंट्रिकल से निकलता है में ये डिवाइस इंस्टॉल किया, किया जाता है जहां पे आपकी बॉडी में पूरा ब्लड पंप किया जाता है दैट्स द राइट अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा सर क्यों करते हैं देखिए हम सब जानते हैं कि हार्ट फेलियर इज अ वेरी वेरी बिग इशू इनफैक्ट अगर मैं आपको नंबर्स बता दूं तो डब्ल्यू एच ओ दूसरी जो इंस्टीट्यूशन है वो नंबर बताते हैं अप्रॉक्सीमेटली थर्टी टू परसेंट ऑफ द मोर्टैलिटी इज बिकॉज ऑफ हार्ट फेलियर राइट यानी कि अगर सौ मृत्यु हो रही है उसमें से बत्तीस लोग हार्ट फेलियर की वजह से मृत्यु होती है उनकी वेरी हाई तो अगर हम लोग जान बचा सकते हैं अगर हार्ट फेलियर हुआ तो अगर हम लोग एल वी डी मशीन लगाएंगे देन दे कैन सर्वाइव अब आप सोच रहे हो कि सर ये तो काफी अच्छी चीज है तो हम लोग कब लगा सकते हैं जब समझ लीजिए टेम्प्ररी हार्ट फेलियर होगा यानी कि टेम्प्ररी हार्ट फेलियर हार्ट में कुछ प्रॉब्लम हो रही है हार्ट मसल में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो टेम्परली आप इसको लगा सकते हो या या फिर अगर आपको हार्ट का ट्रांसप्लांट चाहिए अगर आपको मिल नहीं रहा है तो उस समय पर आप इस पर्टिकुलर मशीन का इस, इस इस मशीन के द्वारा आप तो सर्वाइव कर सकते हो और हार्ट ट्रांसप्लांट करवा सकते हो या फिर अगर परमानेंटली ही हार्ट फेलियर हो चुका है तो आप इस मशीन से सर्वाइव कर सकते हो आपको ध्यान रखना जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो मशीन है एल इसको भी आपको सर्जरी के थ्रू ही इम्प्लांट करना पड़ता है आपके बॉडी में लगाना पड़ता है उसके सारे कंट्रोलर्स बाहर है राइट अब ये सर्जरी इट्स इज़ वेरी ट्रिकी बट लाइफ सेविंग है जरूर अब आप सोच रहे होंगे सर ये लाइफ सेविंग है इतना तो एक्सटेंसिवली लोग इसको इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं

कॉस्टली इम्प्लांट ऑफकोर्स हार्ट रहा है तो आप टेम्पररी आपके लिए एक हार्ट बिठा रहे हो एक एक्सटर्नल पंपिंग मशीन आप लगा रहे हो तो इट इज गोइंग टू बी कॉस्टली अब अभी फिलहाल जो हमारे देश में आते हैं अगर हार्ट फेलियर हुआ है किसी को तो अगर उन्हें एल की ज़रूरत है तो हम लोग उसको इम्पोर्ट करते हैं मोस्टली फ्राम डेवलप कंट्रीज कितना प्राइस है उसका अप्रॉक्सीमेटली डेढ़ सौ हज़ार यानी कि वन फिफ्टी थाउजेंड टू वन सेवेंटी फाइव थाउजेंड डॉलर्स राइट उसको अगर आप ट्रांसलेट करोगे तो एक करोड़ से ज़्यादा तो जाती है राशि अब एक करोड़ रुपए फॉर ट्रीटमेंट इट्स अब वो भी अगेन आई टोल्ड यू टेम्परी हार्ट फेलियर और वेटिंग फॉर हार्ट ट्रांसप्लांट और से इन केस ऑफ परमानेंट डिजेबिलिटी परमानेंट हार्ट डिजेबिलिटी होगी तो आप उसको यूज कर सकते हो तो इसीलिए हृदयंत्र चैलेंज का इंटेंशन यही है सबसे पहले हम लोग इसकी इंपोर्ट को रोकें या फिर इसकी जो रिक्वायरमेंट है हम लोग इंपोर्ट से ना करें और हम लोग इसको बेसिकली मेड इन इंडिया बनाए और इसका कॉस्ट कम करें फ्रूगल फ्रूगल आपको आर्टिफिशियल हार्ट बनाना है यह उद्देश्य है हृदय का अभी फिलहाल जैसे कि मैंने आपको बताया ऑलमोस्ट 1.2 टू 1.5 पॉइंट करोड़ इसका खर्चा आता है तो हृदयंत्र चैलेंज में एक टारगेट सेट किया है कि 20 लाख ,00 रुपए में 20 लाख ,00 रुपए में यह आपको एल डिवाइस हम लोग मेड इन इंडिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं अब आप सोच रहे बीस लाख रुपए है सर राइट right? स्टिल इट इज क्वाइट फ्रूगल इन कंपेरिजन टू द एक्सनल चार्जेस होगा सर फिर भी एक इन इक्वालिटी जरूर रहेगी ऑफकोर्स इन इक्वालिटी जरूर रहेगी तो अगर अभी फिलहाल भी यही होता है मैंने आपको बताया तीस हजार लोग इंप्लांट करते हैं यानी कि रिच पीपल जिनके पैसे है वो कर रहे हैं लेकिन अगर बीस लाख राशि में आ गया तो इंश्योरेंस सरकार की मदद से वी कैन सेव अ लॉट ऑफ लाइफ राइट तो यह चैलेंज है और आगे चल के पहले अगर हम लोग एलबीडी डेवलप कर लेंगे इस प्राइस में तो आगे चल के हम लोग और भी फ्रुगैलिटी लाने की कोशिश जरूर कर सकते हैं सो दिस इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर इसीलिए हम लोगों ने देखा कि देवी शेट्टी ने कहा वाई आई एम बेटिंग ऑन दी आई आई कानपुर डेवलपिंग आर्टिफिशियल हार्ट बिकॉज इट इज अ रियली इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट जहां पर अगर हम लोग इसमें सक्सेसफुल रहे तो बहुत सारी हम लोग जाने बचा सकते हैं मैंने आपको नंबर्स बताए कितनी डेथ्स होती है बिकॉज ऑफ कार्डियक फेलियर राइट दैट इज बेसिकली एल वी और आशा करते हैं कि आईआईटी कानपुर और जो टास्क फोर्स जो टीम है वो सक्सेसफुल रहे इस पर्टिकुलर चीज की डेवलपमेंट में जल्द से जल्द ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा जाने बचाए इनफैक्ट चलते चलते मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन बताना चाहूंगा अबाउट दिस पर्टिकुलर एल वी अब आप सोच रहे होंगे कि सर जो एल वी ए डी मशीन लगाई गई है क्या क्या वो रिलायबल है राइट इज इट रेजिलियट क्या उस पर लोग सर्वाइव कर सकते हैं इनफैक्ट ये मैं आपको खबर बता रहा हूँ दो हज़ार की खबर होगी जहाँ पे चार लोग दिल्ली से आर्टिफिशियल पंप जिन्हें लगाया गया था एल डिवाइस जिन्हें लगाया गया था 2015 में लगाया गया था एंड दे वर फिट एंड फाइन एंड हेल्दी इवन आफ्टर फाइव ईयर्स ऑफ इम्प्लांट यानी कि हार्ट ट्रांसप्लांट मिला नहीं लेकिन पाँच साल तक फिट थे वो इनफैक्ट अगर हम लोग एल वी की बात करें हमारा तो हृदय यंत्र चैलेंज से डेवलप होगा लेकिन जो इंपोर्ट करके एल हम लोग लगाते हैं या फिर ऑलरेडी जो यूज में है उससे ये कहा जाता है कि एक इंसान की जहां पे हार्ट फेलियर भी हो चुका है उनकी लाइफ को तेरह से पंद्रह साल ऐड किए जा सकते हैं यानी कि दे कैन सर्वाइव फॉर थर्टीन टू फिफ्टीन ईयर्स दे कैन लिव हेल्दी लाइफ राइट दे कैन लिव हेल्दी एंड अ डिसेंट लाइफ इनफैक्ट अगर आप वेट कर रहे हैं हार्ट ट्रांसप्लांट का वेट कर रहे हैं तो दिस गोइंग टू बी वेरी यूजफुल अगर आपका कंप्लीटली हार्ट फेलियर है तो उसमें भी आप एल वी इम्प्लांट कर सकते हो एंड पेशेंट्स लिव अ वेरी नॉर्मल लाइफ इवन आफ्टर द एंड स्टेज फेलियर ये मैं आपको बता रहा हूँ दिल्ली का केस जहाँ पे पांच इम्प्लांट्स क्वाइट सक्सेसफुल थे पांच सालों से चल रहे थे चार इम्प्लांट्स पाँच सालों से क्वाइट सक्सेसफुल रहे हैं इसके अलावा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्निपेट है एल के बारे में देखिए अब जब हमारा हार्ट है हमारा हार्ट लप डप करता है दिल धड़कता है इसीलिए हमारा पल्स होता है आपने देखा होगा डॉक्टर आपकी नर्व्स चेक करते हैं पल्स होता है क्यों बिकॉज ऑफ दी ब्लड पंपिंग इट्स इसके अलावा लब डब साउंड की वजह से हमारा सिस्टोलिक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है यानी कि बीपी आपका नॉर्मल बीपी होता है एट्टी बाई वन ट्वेंटी हम लोग कहते हैं राइट बेसिकली लेकिन जब आप एल लगाओगे जब आप इस इम्प्लांट को लगाओगे तो ध्यान रखना है देर वुड एक्चुअली बी नो पल्स एंड द ब्लड प्रेशर वुड बी ओनली वन वैल्यू एंड दैट ब्लड प्रेशर वुड बी कॉन्स्टेंट जहां पर आप कंट्रोलर से उसको सेट कर सकते हो यह आपको ध्यान रखना है कि आप उनकी पल्स नहीं रहे क्योंकि पंप है और पंप आपको एक ही स्पीड में ब्लड पंप करता रहेगा इट्स नॉट लाइक द हार्ट राइट इट डज नॉट मिमिक द हार्ट इट बेसिकली इट बेसिकली इज सेट एड एन ऑप्टिमम लेवल एक ऑप्टिमम लेवल पे ब्लड फ्लो को सेट किया जाता है और वो जो पंप है आर्टिफिशियल पंप है वो ब्लड कंटिन्यूअसली पम्प करता रहता है ऑक्सीज ब्लड टू दी होल

So we'll discuss that for sure. We'll keep an eye on the Rudayanth challenge. That's it in this particular discussion. And you know, if you discussion this discussion, you can always follow me on my social media handle at the rate Rahul Sai two two two. Right? Thank you for watching this video. Jahil. Hello, I am Bhavya, and I have joined the Study IQ Life Foundation batch for UPSC CSC 2023. The faculty offered to us is very experienced in their fields we also get effective doubt resolution despite the classes being online we also get mentorship program and our doubts are effectively resolved day to day and we also get help in planning our preparation accordingly we also get ppt and effective notes for each and every topic so that we do not have to refer to any other books thank you study iq study iq is Ab, hui affordable.